तो कुछ फेंक नहीं है, ये इस नाखून को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ और ये देखना इसको यहाँ पर डाल रहा हूँ, कुछ फेंक नहीं डाल रहा हूँ कुछ। हाँ तो गाइस यार आज का टॉपिक है गाइस इस पेंसिल के ऊपर। गाइस यार आपने सभी ने इस पेंसिल को पढ़ने और लिखने के लिए काम में आई होगी आपके, तो गाइस यार आप जब से पढ़ने शुरू किया और जब से पढ़ते थे जब तक ये पेंसिल का यूज में आना आपका बहुत ही मतलब आता रहता है ये काम में। तो दोस्तों आज हम करने वाले इसके साथ में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो गाइस यार आप देख कर भी हैरान हो जाओगे गाइस यार इसके अंदर भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि गाइस आप सभी लोग है ना कहीं पे भी जाओ कहीं पे भी इसको कुछ भी यूज में ले लेते हो कहीं कहीं पे भी। तो गाइस यार इसके ये ऐसी चीज़ है कि जो कि गाइस आप है ना ट्राई मतलब देख लोगे तो आप बहुत सोचोगे कि यार ये भी चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों यार वीडियो को इसलिए कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना गाइस, और वीडियो के अंदर बने रहना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब नहीं करते एक प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लास्ट में लाइक कर देना। दोस्तों शुरू करते हैं। गाइस यार हम है ना हमारे पास में बैटरी नहीं है, तो गाइस यार इसकी बैटरी से हम यूज में लेंगे और इस बैटरी का काम करेंगे। गाइस हमारे पास में कुछ बैटरी नहीं है जिसलिए इसका बैटरी का यूज में लेकर इससे हम बताएंगे। तो गाइस यार पास में हनुमान ये आपको पता नहीं होगा, गाइस यार आपने सभी ने पेंसिल चलाने का काम तो क्या होगा, पर गाइस यार आप कभी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि गाइस के ये है ना इसके अंदर नाखून एक किसका बना होता है। तो गाइस यार ये आपको आज हम बता देते हैं, गाइस ये बना होता है कार्बन का। अगर गाइस यार कार्बन के अंदर हमेशा है ना विद्युत का सुचालक नहीं होता है तो भी इसके अंदर लाइट है ना इधर से उधर पेश हो जाती है। तो गाइस यार कभी भी ऐसी ट्राई मत कर लेना, क्योंकि आपको दूध का दूध पानी का पानी हम करके दिखाएंगे आज आपके सामने, और गाइस यार कुछ भी फेक नहीं बनाएंगे कुछ भी कैसा ही नहीं बनाएंगे। तो गाइस यार शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखो ये एक बल्ब ले लिया है, मतलब छोटा सा बल्ब है, ये तार इस पिन ले ली इसकी, और ये एक पेंसिल ले ली। गाइस यार इस पेंसिल के अंदर कार्बन का बना होता है, तो गाइस यार आपने इसके अंदर कार्बन के अंदर क्या छोटे छोटे पास पास में इसका कण होने के कारण ये करंट को इधर से उधर पेश कर जाते हैं, क्योंकि गाइस यार एक पेंसिल के अंदर कण कितने कण होते हैं जिसलिए कार्बन के जो लाइट को इधर से उधर पेश कर देते हैं। तो दोस्तों यार इसका चालू करते हैं इसके साथ में, और ये देख लो इस बैटरी से जोड़ दिया हमने, और ये तार है और ये तार है, और एक तार हमने पहले से जोड़ दिया, और बल्ब को देख लेना पहले हटा के दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देखो ये जल गया ना, कुछ फेंक नहीं है ना, जल गया ना। तो गाइस यार अब इसकी पेंसिल का साथ में हटा के दिखाऊंगा, ये देखो ये नाखून कटा हुआ है, ये देख लो कुछ फेंक नहीं है, ये इस नाखून को यहाँ पर पकड़ लेता हूँ, और ये देखना इसको यहाँ पर डाल रहा हूँ, कुछ फेंक नहीं डाल रहा हूँ कुछ भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो जल गए ना गाइस, देख लो ये हटाते वापस बंद हो गई है, ये हटाते वापस जल गई। आपने देख लिया होगा लाइट इधर से उधर पेश हो रही है। तो गाइस आप कभी भी ऐसा बिजली का वोट हुए किसके अंदर ऐसे डाल दिया तो समझ लेना आप खत्म हो सकते हो। तो गाइस यार ऐसी पेंसिल का यूज हमेशा लिखने और पढ़ने के लिए काम में आता है लेना, और कभी ऐसा लाइट वगैरह बिजली के अंदर कभी काम में मत ले लेना। दोस्तों यार आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फटाफट से फटाफट मिलेंगे। गाइस यार आपको चैनल को फटाफट से फटाफट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।